हेलो एंड गुड मॉर्निंग। एसेंट एकेडमी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर वन पढ़ेंगे, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। वी यूज़ मैनी वर्ड्स वाइल वी स्पीक। हम बहुत सारे वर्ड्स शब्द यूज़ करते हैं जब हम बोलते हैं। दीज वर्ड्स मेक ए सेंटेंस। ये जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, ये क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। व्हिच इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस थॉट एंड फीलिंग। यह विचार और हमारी भावनाओं को प्रकट करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, टिक द वन डेट आर सेंटेंसेस। हमें क्या करना है? यहाँ 7 ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सेंटेंस है उस पर हमें टिक लगाना है। जैसे नंबर 1 पे है, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये क्या है? सेंटेंस है, इस पर टिक लगा दीजिए। सेकेंड पर द गंगा इज अ होली रिवर, ये भी सेंटेंस है, इस पर टिक लगा दीजिए। और उसके बाद थर्ड है, अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, ये जो है सेंटेंस नहीं है, ये जो है फ्रेज है। उसके बाद नंबर 4 है, एन आर्किटेक्ट आई, ये भी फ्रेज है। फ्रूट्स आर जूसी, ये सेंटेंस है। ए काउ गिव अस मिल्क, ये सेंटेंस है। ईटिंग वी आर, ये फ्रेज है। So we can say that a sentence is a group of words which makes a complete sense. So इसलिए हम कह सकते हैं कि जो sentence होता है वो क्या होता है? A group of words, जो शब्दों का एक समूह होता है, जो हमें क्या देता है? Complete sense देता है, यानी मुकम्मल हमें क्या देता है? सेंस देता है। डेफिनेशन देखो इसकी यहाँ दी हुई है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स डैट मेक्स ए कम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। सेंटेंस जो है एक क्या होता है? वर्ड्स का, शब्दों का एक समूह होता है, जो हमें क्या देता है? मुकम्मल सेंस देता है, यानी कि पूरी मीनिंग देता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस जो होता है वो उसकी कुछ पहचान होती है, जैसे उसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, लेट्स रिमेंबर द फॉलोइंग थिंग्स व्हेन वी राइट ए सेंटेंस। जब हम सेंटेंस लिखेंगे ना, तो उसमें से हमें क्या करना है? जैसे सबसे पहले, द सेंटेंस मस्ट बी बिगन विथ अ कैपिटल लेटर। तो हमेशा सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा? कैपिटल लेटर से शुरू होगा। इसी तरह ए फुल स्टॉप मस्ट बी प्लेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और सेंटेंस के लास्ट में हम क्या करेंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। द वर्ड आई इज ऑलवेज रिटन एज ए कैपिटल लेटर, और हमेशा अगर आई आ जाए तो उसको हमेशा हम पहले कैपिटल में लिखेंगे उसको। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस मस्ट बिगेन विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ ए क्वेश्चन मार्क। जैसे कोई भी इंट्रोगेटिव हो जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका पहला वर्ड जो होगा वो कैपिटल होगा, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे? उसके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे वाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। तो यहाँ देखो पहला वर्ड जो W है वो बड़ा है, और उसके पहला सॉरी लेटर जो बड़ा है W, और उसके लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसी तरह सेकंड में, ही लिव्स इन जयपुर, इसमें देखो H बड़ा है और लास्ट में फुल स्टॉप है। लकी इज़ माई फ्रेंड, L बड़ा है और लास्ट में फुल स्टॉप है। मुकुल इज़ ए गुड फुटबॉल प्लेयर, यहाँ M बड़ा है, लास्ट में फुल स्टॉप है। राज स्विमिंग, R बड़ा है, लास्ट में फुल स्टॉप है। वेयर आर यू गोइंग, W बड़ा है और लास्ट में ये जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। उसके बाद हम फ्रेजेस की बात करें, जैसे फ्रेजेस, रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं। दीज आर नॉट सेंटेंसेज, ये सेंटेंसेज नहीं है। दे डू नॉट मेक कम्प्लीट सेंस, क्योंकि जो सेंटेंसेस होते हैं वो कंप्लीट सेंस देते हैं, लेकिन यहाँ जो है फ्रेजेस वो कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। यहाँ कुछ इसके दिए हुए हैं एग्जांपल, बाय द वे है, इन प्राइवेट है, इन द गार्डन है, इन ए मिनट है, इट स्कूल है, इन द एंड है, फॉर गुडनेस सेक है, बैक टू फ्रंट है, इन साइड आउट है, इन पब्लिक है, इन एन इंस्टेंट है, एट द स्टेशन है, इन माई ओपिनियन है, इन द मॉर्निंग है, आफ्टर है, इवनिंग है, वन आफ्टर एन अदर है, एट लास्ट है, आउट ऑफ द ब्रेथ है, वंस मोर है, एट द बस स्टॉप है, विदाउट फियर है, एट नाइट है, ऑन द होल है, वंस अपॉन ए टाइम है, एट
होम है, दीज आर नॉट सेंटेंसेज, दीज आर फ्रेजेज, ये जो है कोई भी इसमें से वाक्य नहीं था, ये सारे क्या थे, ये फ्रेजेज थे। फ्रेजेज आर मेड ऑफ टू आर मोर वर्ड्स, फ्रेजेज जो है दो या दो से अधिक वर्ड्स या शब्दों से बनते हैं। दे डू नॉट हैव सब्जेक्ट आर ए वर्ब, इनको या तो सब्जेक्ट नहीं होता है या तो वर्ब नहीं होता है। एंड मेक सम सेंस ओनली बट नॉट कम्प्लीट सेंस, कभी कभी ये कुछ सेंस देते हैं लेकिन मुकम्मल कम्प्लीट सेंस नहीं देते हैं। उसके बाद हमें क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है। नंबर ए टिक द करेक्ट ऑप्शन, नंबर वन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए बी सी इनमें से कौन सा सही है, उस पर हमें क्या लगाना है, टिक लगाना है। डू यू हैव ए वॉच, यू डू ए वॉच, ए वॉच डू यू हैव, इसमें से देखो ये फर्स्ट वाला सही है, ए जो दिया हुआ है, क्योंकि ये सेंटेंस है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंटेंस, अब इसमें से ए बी सी दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सेंटेंस है उस पर निशान लगाना है। द सन राइज इन द ईस्ट, यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है लेकिन आप लगा देना, मिस्टेक है इसमें थोड़ी बुक की, ठीक है। तो ये ए हमारा, और उसके बाद बी ए एन सिंगर इज शी द वंस अपॉन ए टाइम, तो इसमें से जो सेंटेंस है वो ए वाला होगा, ए को करेक्ट लगा देना, टिक लगा देना। उसके बाद नंबर थ्री है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रेज, अब इसमें से देखो सेंटेंस भी दिया हुआ है फ्रेज भी दिया है, इसमें से कौन सा फ्रेज है जिसमें मुकम्मल सेंस नहीं होगा, जैसे ए दिया हुआ है रचना इज रीडिंग अ बुक, ये तो सेंटेंस हो गया, इन माई ओपिनियन ये कुछ वर्ड्स हो गए, ठीक है, और सरिता इज ए डांसर ये भी सेंटेंस हो गया, तो इसका बी हो जाएगा, तो बी क्या होगा फ्रेज हो जाएगा, फ्रेजेज फ्रेज हो जाएगा। उसके बाद बी दिया हुआ है नीचे, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंस, बिगेन ई सेंटेंस विथ ए कैपिटल लेटर एंड पुट ए फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, इसमें से क्या करना है रीअरेंज करना है, यानी कि उल्टे सीधे वर्ड्स दिए गए हैं आपको उसको सही लिखना है। सबसे पहले जो वर्ड होगा उसको क्या करना है, उसमें जो लेटर होगा उसको क्या करना है आपको कैपिटल लिखना है, और उसके बाद लास्ट में हमें क्या लगना है फुल स्टॉप लगाना है, यानी कि इसको हमें सेंटेंस बनाना है। जैसे नंबर वन में पहले से एक दिया हुआ है मेरे पास, मैनी आई फ्रेंड्स हैव, तो इनको सही करना है अभी, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई कैपिटल आ जाएगा, हैव मैनी फ्रेंड्स लास्ट में क्या लग गया फुल स्टॉप। इसी तरह सेकंड में दिया हुआ है विंग्स फ्लाई विथ देयर बर्ड्स, तो इसको हमें सही करना है, जैसे बी बड़ा आ जाएगा बर्ड्स फ्लाई विथ देयर विंग्स, और लास्ट में क्या आ जाएगा फुल स्टॉप आ जाएगा। ए फ्रूट मैंगो इज स्वीट, इसका रीअरेंज हो जाएगा मैंगो इज अ स्वीट फ्रूट, मैंगो में एम बड़ा और लास्ट में फुल स्टॉप। नंबर फोर हनी गिव्स अस बीज, इसका सही हो जाएगा बीज गिव्स अस हनी, बीज में बी बड़ा और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। नंबर फाइव में आर माई बुक्स दीज, तो इसका सही हो जाएगा दीज आर माई बुक्स, दीज में टी बड़ा और लास्ट में फुल स्टॉप। नंबर सिक्स पे ए बिग सिटी इज कोलकाता, कोलकाता इज ए बिग सिटी, कोलकाता में के बड़ा और लास्ट में फुल स्टॉप। नंबर सेवन रेल्स रन्स ऑन ट्रेन द, और इसका रीअरेंज हो जाएगा द ट्रेन रन्स ऑन रेल्स, द में टी बड़ा और लास्ट में फुल स्टॉप। नंबर एट में हो जाएगा ए गर्ल देयर इज स्टैंडिंग, इसका सही हो जाएगा ए गर्ल इज स्टैंडिंग देयर, ए बड़ा और लास्ट में फुल स्टॉप। नंबर नाइन में बिल्ड नेस्ट इन बर्ड्स ट्रीज, सबसे पहले बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज, बर्ड्स में बी बड़ा और लास्ट में फुल स्टॉप। टेंथ में बेबी ड्रेस ए पिंक हैज, तो इसका रीअरेंज हो जाएगा बेबी हैज ए पिंक ड्रेस, बेबी में बी बड़ा और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। नंबर सी हमारे पास दिया हुआ है रीराइट दिस सेंटेंस बाय पुटिंग इन द कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, हमें क्या करना है कि यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें क्या करना है, पहले जो पहला वर्ड है वो कैपिटल लिखना है और लास्ट में हमें क्या करना है फुल स्टॉप लगाना है। पहला सेंटेंस आपके लिए दिया हुआ है जैसे माय अंकल इज़ एन इंजीनियर, तो इसमें एम बड़ा आ गया माय में और लास्ट में फुल स्टॉप,
इसी तरह नंबर सेकंड में देखिए एम बड़ा हो जाएगा और आर के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा, और अरुण में ए बड़ा आ जाएगा और लास्ट में कार के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। नंबर थर्ड में माई में एम बड़ा और लास्ट में फुल स्टॉप। नंबर फोर में ही जो है इसमें एच बड़ा और लास्ट में ऑरेंज के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। इसी तरह नंबर फाइव में आई बड़ा हो जाएगा और टू डे के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। इसी तरह सिक्स में देयर में टी बड़ा और लास्ट में ईयर के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। और इसी तरह नंबर सेवन में पारुल एंड ममता, पारुल में पी बड़ा और ममता में एम बड़ा और लास्ट में मार्केट के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। इसी तरह एट में गर्ल जी बड़ा और लास्ट में देयर के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। इसी तरह नाइन में आर में ए बड़ा और लास्ट में स्कूल के बाद यहाँ क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्या है इंट्रोगेटिव है। इसी तरह नंबर डी दिया हुआ है हमारे पास मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस। हमारे पास कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, इसे क्या करना है हमें इसके वाक्य बनाने हैं, ठीक है। जैसे नंबर वन बाय द वे, तो इसका वाक्य पहला है बाय द वे हाउ इज राम। नंबर सेकंड इन द मॉर्निंग, जैसे आई प्रीफर टी इन द मॉर्निंग। नंबर थर्ड वे इन द गार्डन, जैसे देयर इज ए नीम ट्री इन द गार्डन। नंबर फोर वन आफ्टर एन अदर, जैसे इसका हो जाएगा प्लीज लाइन अप वन आफ्टर एन अदर। नंबर फाइव पे एट द बस स्टॉप, तो इसका क्या हो जाएगा सेंटेंस ए रेड बस इज स्टॉपिंग एट द बस स्टॉप।